हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आप महिलाओं के लिए ऐसा एक कानून बनाइए कि जो भी इस तरह की बेचारा हरकत करता है उसको तुरंत गोली मारने का ऑर्डर होना चाहिए। देखिए जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से जो रेप और मर्डर की जो घटनाएं हो रही हैं, इससे एक ये चिंता का भी विषय है और एक सवालिया निशान भी है गवर्नमेंट के ऊपर, जो कि उन्होंने बड़े बड़े दावे और नारे दिए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर आप देखिए हम बेटियां जो हैं अब अपने आप को कितनी सुरक्षित महसूस कर रही हैं, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि आज भी आप हमें रात को बाहर निकला तो हम 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जो ये आजकल हो गया और जो अभी जो घटना हसरत की जो घटना हुई है, लड़की के साथ रेप और मर्डर हुआ है, बड़ी निंदनीय घटना है और परिवार को किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है। लड़की का रात को 2:30 बजे उसका संस्कार किया गया, जबकि हिंदू धर्म में रात को संस्कार नहीं किया जाता है। क्या बात है, किसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? ये सरकार की एक मिली भगत है कि दोषियों को वो छुपा रही है और जो परिवार वाले हैं उनको टॉर्चर किया जा रहा है। यूपी के निर्भया केस हुआ, आपके उस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम योगिता शर्मा है। मैं मोदी जी से यही अपील करना चाहती हूँ कि कोई ऐसा सख्त कानून बनाए जिससे हमारी देश की बेटियाँ जो हैं सुरक्षित हो सकें, और योगी जी के इस कार्य के लिए हम उनकी बहुत, ये बहुत ही निंदनीय मतलब घटना थी, इसका हम बहुत ही ज़्यादा मतलब निंदा करते हैं कि उन्होंने लड़की के दाग संस्कार से भी उसके माँ बाप को वंचित रखा और रात के अंधेरे में उसका संस्कार कर दिया। क्या उनकी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं बनती थी उसके माँ बाप की कि वो लड़की का दाग संस्कार कर सके और लड़की को इस मतलब रेप के बाद ऐसी बुरी कंडीशन में उसको मतलब फेंक दिया गया, मार मतलब उसकी इसको उसके बॉडी पे ऐसी इंजरीज दी गई, स्पाइनल कार्ड उसका ब्रेक कर दिया गया, उसकी मतलब टंग कट ऑफ कर दी गई। क्या मतलब उस लड़की का क्या अपराध था जो उन्होंने इसके साथ इतना मतलब निंदनीय अपराध उन्होंने किया? हम यही डिमांड करते हैं मोदी जी से कि या तो कुछ मतलब अगर जो मतलब कोई भी मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, उसके साथ मतलब जो लड़कियों के साथ ऐसा करता है उसको मतलब एट ए टाइम या तो शूट किया जाए या तो उसको फांसी की सज़ा दी जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्दी उनकी सुनवाई हो जाए। मेरा नाम अनीता चौधरी है और देखिए जो यूपी में केस हुआ, हाथरस में जो केस हुआ, बात एक केस की नहीं है। आज उस लड़की को इंसाफ नहीं मिला है और उसके साथ बहुत गलत तरीके से पुलिस पेश आ रही है। आप थोड़ी देर पहले देख लिए कि हैदराबाद में डॉक्टर का केस आया था और बहुत सारे ऐसे केस हैं जो रोज़ के केस आ रहे हैं, रोज़ बलात्कार हो रहे हैं। वो ठीक है कि कानून की किताब में वो नहीं दर्ज होते हैं, लेकिन हमारे हिंदुस्तान का कानून जो है वो आज भी अच्छा नहीं है। अगर हमारा हिंदुस्तान का कानून सख्त होता तो कोई भी इस तरह की हरकत करने से पहले 100 बार सोचता। अब मोदी सरकार बहुत बहुत बड़ी बातें करते हैं कि महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है, लेकिन महिला आज भी आज़ाद नहीं है। चाहे हमारे हिंदुस्तान को जितना देर मर्जी हो गया आज़ाद हुए, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं वो घरों के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं और घरों के बाहर भी सुरक्षित नहीं हैं। हम यही कहना चाहते हैं सरकार से कि आप
महिलाओं के लिए ऐसा एक कानून बनाइए कि जो भी इस तरह की बेचारा हरकत करता है उसको तुरंत गोली मारने का ऑर्डर होना चाहिए।